बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजय भटनागर एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स बाय संजय भटनागर। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है बजट लाइन। भाई, अगर हम बजट लाइन को ध्यान से समझें तो क्या कहते हैं, इट इज़ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के वो सारे बंडल्स को रिप्रेजेंट करता है बजट लाइन का कॉन्सेप्ट, दैट अ कंज्यूमर कैन बाई विद हिज गिवन इनकम। जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर खरीद सकता है एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस, जो भी मार्केट में प्राइजेस हैं दोनों गुड्स के, उन प्राइजेस पर कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर जितने भी बंडल्स खरीद सकता है। बंडल का मतलब है कि दो गुड्स है, तो सपोज एक यूनिट का एक्स का एक ले रहा है और वाई का तीन यूनिट ले रहा है, तो ये बंडल है, एक्स की एक यूनिट और वाई की तीन यूनिट, तो एक बंडल माना जाएगा। तो ऐसे बंडल्स कंज्यूमर जितने भी बंडल्स खरीद सकता है विद इन हिज गिवन इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, उसको हम बजट लाइन के थ्रू बजट लाइन की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज उसका एक एग्जांपल लेते हैं, भाई कंज्यूमर की इनकम दी हुई है 40 रुपये कंज्यूमर के पास है, वो दो गुड खरीद रहे हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने जितने भी पैसे हैं उसके पास वो सिर्फ दो गुड्स पर खर्च कर रहे हैं, एक है गुड एक्स और एक है गुड वाई। अब भाई एक्स का प्राइस हमने अज्यूम करा 10 रुपये और वाई का प्राइस हमने अज्यूम करा 10 रुपये। अगर कंज्यूमर भाई कंज्यूमर के पास 40 रुपये, अगर कंज्यूमर अपने सारे पैसे को 10 रुपये के हिसाब से एक्स पे खर्च करता तो एक्स की कितनी यूनिट खरीद पाएगा, 4 यूनिट। तो एक्स पे आपने इक्वल डिस्टेंस मार्क करे और आपने जहाँ पे भी 4 यूनिट्स हैं, जबकि वो सारे पैसे एक्स पे खर्च कर रहे हैं, तो ही विल बी एबल टू बाय 4 यूनिट्स। और अगर जो भी उसके पास पैसे हैं अगर वो वाई पे खर्च करता है जिसका प्राइस 10 रुपये है, तो वो वाई के भी 4 यूनिट खरीद पाएगा। तो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया वाई का 4 यूनिट्स। भाई अब ये ध्यान रखना कि जब कंज्यूमर अपने सारे पैसे को एक्स पे खरीद रहा है तो उसके पास वाई पे खर्च करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। सिमिलरली अगर वो सारे पैसे को वाई पे खर्च कर देता है, 40 रुपये को 10 रुपये के हिसाब से वाई की 4 यूनिट खरीद लेता है, तो उसके पास एक्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। अब हमने क्या करा, दोनों पॉइंट्स को मिला लिया, तो हमारे पास आ जाएगा बजट लाइन। मतलब बजट लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद इन हिज गिवन इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस। तो एक बंडल हमारे पास सपोज हो जाता है ये वाला, जहाँ पे कि कंज्यूमर 0 ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट ऑफ वाई खरीद रहे हैं। एक बंडल हमारे पास हो जाता है ये वाला, जहाँ पे कंज्यूमर 1 यूनिट एक्स की और 3 यूनिट वाई की खरीद रहा है। एक बंडल हमारे पास हो जाता है 2-2 का, जहाँ पे कि कंज्यूमर 2 यूनिट एक्स की और 2 यूनिट वाई की खरीद रहा है। एंड सिमिलरली एक बंडल हमारे पास हो जाता है ये वाला, जहाँ पे कंज्यूमर 3 यूनिट एक्स की और 1 यूनिट वाई की खरीद रहा है। और अगर कंज्यूमर अपने सारे पैसे को एक्स पे खर्च करता है तो वो एक्स की 4 यूनिट खरीदता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते वाई पे खर्च करने के लिए, तो वो वाई की 0 यूनिट और एक्स की 4 यूनिट खरीद रहा है। तो इस तरीके से हम बजट लाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके बच्चों, जो बजट लाइन से बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है वो है बजट सेट। भाई बजट सेट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद हिज गिवन इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस। भाई बजट सेट बेसिकली क्या बताता है कि वो सारे के सारे बंडल्स ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी गिवन इनकम के अंदर और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस पर। तो जैसे कि कंज्यूमर के पास दोबारा 40 रुपये, वो एक्स का प्राइस है 10 रुपये, वाई का प्राइस है 10 रुपये। अगर कंज्यूमर अपने सारी इनकम को खर्च करता है तो ही विल बी इन अ पोजिशन टू बाय अ बंडल विच इज़ ऑन द बजट लाइन। अगर कंज्यूमर अपने सारे पैसे को खर्च करता है, इस केस में जो 40 रुपये हैं, तो सारे पैसे खर्च कर रहे हैं इन दोनों कमोडिटीज़ के बंडल पे, तो वो एक ऐसे बंडल को अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है जो बजट लाइन के ऊपर है। लेकिन अगर वो अपने सारे पैसे को खर्च नहीं करता तो वो एक ऐसे बंडल को खरीदेगा जो बजट लाइन के नीचे है। भाई जैसे कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर ने एक्स का कुछ भी नहीं खरीदा और वाई की 4 यूनिट खरीद ली, तो 0-4 इज अ बजट सेट। ये एक बंडल है, ये एक सेट है, बजट सेट है जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर खरीद सकता है। ऐसे एक बंडल हो गया 1-3, जहाँ पे कंज्यूमर 1 यूनिट एक्स की और 3 यूनिट वाई की खरीद रहा है। एक बंडल हो गया 2-2 का, जहाँ पे कि 2 यूनिट एक्स की और 2 वाई की खरीद रहा है। ऐसे जितने भी बंडल्स हैं, चाहे वो बजट लाइन के ऊपर हो, चाहे वो बजट लाइन के नीचे हो, जैसे एक बंडल है 1-2 का, भाई 1 एक्स का और 2 यूनिट वाई का, मतलब कंज्यूमर यहाँ पर है,
तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर अपने सारे पैसे को खर्च नहीं कर रहा और वो एक ऐसा बंडल खरीद रहा है जो बजट लाइन के नीचे है, मतलब अगर वो चाहे तो वो किसी भी एक यूनिट के कंजम्पशन को और बढ़ा सकता है, पर वो ऐसा नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ही इज़ ऑन अ पॉइंट विच इज़ बिलो बजट लाइन। इनको हम बोलते हैं बजट सेट, वो सारे बंडल्स जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर खरीद सकता है, चाहे वो अपनी सारी इनकम खर्च कर रहा हो या वो अपनी इनकम पूरी ना खर्च करके उसके पार्ट खर्च कर रहे हैं। तो जितने भी बंडल्स वो खरीद पाएगा उन बंडल्स को हम बजट सेट के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, जो बजट लाइन से के ऊपर ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं बजट इक्वेशन। भाई हम जब बजट लाइन बनाते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कंज्यूमर कहाँ पर अपने सारे पैसे को खर्च कर रहा है और कहाँ पर अपने सारे पैसे को खर्च नहीं कर रहा है। तो वो जो बंडल्स हमने निकाले थे वो हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं बजट इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एम इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। भाई ये जो एम है इट स्टैंड्स फॉर मनी इनकम, कंज्यूमर की जो भी मनी इनकम है, जो उसके पास पैसे पड़े हैं उसको हम एम से लिखते हैं। पी एक्स इज प्राइस ऑफ गुड एक्स, पी वाई इज प्राइस ऑफ गुड वाई, क्यू एक्स इज क्वान्टिटी ऑफ गुड एक्स जो कंज्यूमर खरीद सकता है, क्यू वाई इज क्वान्टिटी ऑफ गुड वाई। सपोज आपको ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि कैन अ कंज्यूमर बाय वन यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड फाइव यूनिट्स ऑफ गुड वाई, कैन अ कंज्यूमर बाय दिस बंडल। तो आपको एक तो सीधा सीधा कहता है कि भाई सपोज हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर के पास 40 रुपए हैं, कंज्यूमर की जो इनकम है वो है यहाँ पे 40 रुपए, एक्स का प्राइस है 10 रुपए, वाई का प्राइस है 10 रुपए। तो आपको अब ये आपको पास डेटा दिया हुआ है और आपको इस डेटा के हेल्प से ये कैलकुलेट करना है कि क्या कंज्यूमर एक यूनिट एक्स की और 5 यूनिट वाई की खरीद सकता है। भाई आप एक तो सीधा कह सकते हैं कि नहीं खरीद सकता क्योंकि कंज्यूमर के पास सिर्फ 40 रुपए हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इसको शो करना पड़ेगा कि आपने कैसे अपने आंसर को निकाला, कैसे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, एम इज इक्वल टू 40, कंज्यूमर की इनकम 40 है, पी एक्स है 10, 10 इंटू 1 क्योंकि कंज्यूमर एक यूनिट एक्स ही खरीद रहा है, प्लस पी वाई हमारा 10 है इंटू 5, अब कंज्यूमर ने क्या कर रहा है 5 यूनिट वाई की खरीद रहा है। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को 10 रुपये तो एक्स का खरीदने के लिए चाहिए और 50 रुपये वाई की यूनिट खरीदने के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर के पास सिर्फ इनकम 40 है, उसको चाहिए 60 रुपये इस कॉम्बिनेशन को खरीदने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हम कह सकते हैं बिकॉज 40 he do not have the income to buy this bundle, so he cannot buy this, he cannot afford to buy this। बच्चों कभी कभी बजट लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं आपसे ऐसे करके पूछा जाएगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई और यूनिट्स ऑफ गुड सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड गेन। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम पी एक्स अपॉन पी वाई, मतलब अगर आपके पास आपको कुछ डेटा दिया गया जाएगा यहाँ पे, जैसे कंज्यूमर की इनकम होगी, गुड एक्स एक्सिस पे जो भी गुड है उसका प्राइस दिया जाएगा और वाई एक्सिस पे जो भी गुड है उसका प्राइस दिया जाएगा। तो जो भी गुड आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उसका प्राइस और जो भी गुड आप गेन कर रहे हो उसका प्राइस, जब आप रेशो निकालोगे आपके पास स्लोप ऑफ बजट लाइन आ जाएगा। एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में होगा क्योंकि बजट लाइन का जो स्लोप है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है और अगर कंज्यूमर को गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करनी है तो उसको गुड वाई की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, अगर आपको गुड एक्स का ज़्यादा खरीदना है तो आपको गुड वाई को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप एक्स की कुछ यूनिट को ज़्यादा खरीद सकते हो। तो इसलिए आंसर विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव। ओके बच्चों, अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। भाई सीधी सी बात है कि आप बजट लाइन की प्रॉपर्टीज को इसको देख के आप समझ सकते हैं। तो पहली से प्रॉपर्टी आ गई, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई लेफ्ट से राइट की तरफ ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है। सपोज यहाँ पे 40 रुपए हैं, दोनों गुड का प्राइस एक्स का प्राइस 10 रुपए, वाई का प्राइस 10 रुपए। अब अगर कंज्यूमर
एक्स की यूनिट को एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है तो उसको वाई की एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई में जो उनकी क्वांटिटी है उसमें इन्वर्स रिलेशन है। अगर उसको गुड एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट खरीदनी है तो उसको गुड वाई की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बजट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इंटरफेरेंस कर्व की तरह कॉन्वेक्स या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरह कॉनकेव नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बजट लाइन का जो स्लोप है वो हम मेजर करते हैं प्राइस रेशियो से, पी एक्स अपॉन पी वाई से। तो यहाँ पे जैसे पी एक्स 10 था, पी वाई 10 था, हमने जब स्लोप कैलकुलेट करा 1, आप इसमें से किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो ये पॉइंट हो या वो ये पॉइंट हो, जब आप स्लोप को कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप हमेशा आंसर एक ही आएगा, क्योंकि स्लोप कॉन्स्टेंट है। इसलिए बजट लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, जो अगला टॉपिक हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि बजट लाइन में शिफ्ट कब होता है। बजट लाइन, व्हेन बजट लाइन शिफ्ट्स राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, शिफ्ट्स। भाई सपोज हमने एज्यूम करा कि कंज्यूमर की इनकम 40 रुपये, एक्स का प्राइस 10 रुपये, वाई का प्राइस 10 रुपये। अगर कंज्यूमर ने अपने सारे पैसे 40 रुपये गुड एक्स पे खरीदे तो वो 10 रुपये के हिसाब से कितनी यूनिट खरीद पाएगा? 4 यूनिट्स। अगर हम यहाँ पे गुड एक्स लिखते हैं और यहाँ पे हम y लिखते हैं, अब अगर कंज्यूमर ने 40 रुपये के हिसाब से अपने सारे पैसे को y पे खर्च करा तो कितनी यूनिट खरीद पाएगा? 4 यूनिट। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास बजट लाइन आ जाएगा। ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन है जबकि कंज्यूमर की इनकम है 40 रुपये। अब सपोज एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, बढ़कर 60 रुपये हो गई, 60। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ के 60 रुपये हो गई, हमने अभी भी ये अज्यूम करा है कि जो गुड एक्स का प्राइस है वो 10 रुपये, गुड वाई का प्राइस 10 रुपये। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कंज्यूमर, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है तो कंज्यूमर 10 रुपये के हिसाब से एक्स की कितनी यूनिट खरीद सकता है? 6 यूनिट। या फिर अगर वो सिर्फ सारे पैसे वाई पे खर्च करता है तो वो कितनी खरीद पाएगा? 6 यूनिट। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हमारे पास नई बजट लाइन आ जाएगी। मतलब हमारी जो बजट लाइन है वो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट कर गई है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। अज्यूमिंग दोनों गुड्स का प्राइस सेम है तो कंज्यूमर विल बी इन अ पोजिशन टू बाय मोर ऑफ बोथ द गुड्स। और अगर उल्टा होता, सपोज कंज्यूमर की इनकम 60 रुपये से कम होकर 40 रुपये हो जाती, तो उस केस में कंज्यूमर की बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता, क्योंकि अब कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, कंज्यूमर सेम प्राइसेस को रहते हुए कंज्यूमर अब कम अफोर्ड कर पा रहा है तो अब कंज्यूमर विल बी ऑन कर्व। सिंपल सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट, अगर इनकम बढ़ती है बजट लाइन में शिफ्ट राइटवर्ड, और अगर इनकम कम होती है बजट लाइन में शिफ्ट लेफ्टवर्ड। बच्चे जो शिफ्ट इन बजट लाइन में, जो अभी हमने पढ़ा था कि इनकम में अगर चेंज आता है तो कैसे बजट लाइन राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है, अगर इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स को खरीद पाएगा, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कंज्यूमर की बजट लाइन पर प्राइस के चेंज होने से इफेक्ट आता है। हमने अज्यूम करा है कंज्यूमर इनकम 40 रुपये, एक्स का प्राइस 10 रुपये, वाई का प्राइस 10 रुपये है, या कंज्यूमर के पास 40 रुपये थे, 10 रुपये के हिसाब से वो एक्स की 4 यूनिट खरीद पाएगा और वाई की 4 यूनिट खरीद पाएगा। तो ये हमारा इनिशियल बजट लाइन है जो हमने डेटा को प्लॉट करा। अब अगर कंज्यूमर का जो प्राइस है, जो एक्स गुड का प्राइस है, अगर वो बढ़ के, भाई पहले 10 रुपये था, अब वो बढ़ के 20 रुपये हो जाता है, तो क्या होगा कि कंज्यूमर, अब ध्यान से देखिएगा कि कंज्यूमर अपने 40 रुपये के अंदर एक्स की कितनी यूनिट खरीद पा रहा है? सिर्फ 2। तो बजट लाइन विल रोटेट इनवर्ड्स। भाई पहले बजट लाइन थी ये, अब बजट लाइन इनवर्ड रोटेट होके ये हो जाएगी, क्योंकि अब कंज्यूमर एक्स की सिर्फ 2 ही यूनिट खरीद पा रहा है 20 रुपये के हिसाब से, उसके पास 40 रुपये हैं, तो ही विल ओनली बी इन अ पोजिशन टू बाई 2 यूनिट्स। और अगर कंज्यूमर के जो गुड्स का प्राइस है वो कम हो जाता है, एक्स का प्राइस अगर कम हो जाता है, भाई 10 से कम होकर 8 रुपये हो गया, 40 रुपये गुड का प्राइस 8 रुपये हो गया, वाई का प्राइस सेम है, इनकम सेम है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? अगर वो 8 रुपये के हिसाब से 40 रुपये को खर्च करता है तो वो गुड एक्स की 5 यूनिट खरीद पाएगा। तो इस केस में हमारा जो बजट लाइन है इट विल रोटेट आउटवर्ड्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हमारी बजट लाइन थी ए बी, बाद में जब प्राइस बढ़ा तो इट विल रोटेट इनवर्ड्स फ्रॉम ए बी टू ए
बी डैश, और अगर प्राइस कम हुआ इट विल रोटेट आउटवर्ड्स फ्रॉम ए बी टू ए बी डबल डैश। इस तरीके से हम कैसे गुड के प्राइस का बजट एंड पे इफेक्ट पड़ता है ये हम डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे जब एक्स का प्राइस में चेंज आता है तो कैसे उसका इम्पैक्ट बजट लाइन पर पड़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जब गुड वाई के प्राइस में चेंज आता है। हमने फिर से सेम फिगर्स लिए, इनकम हमारी 40 है, एक्स का प्राइस 10 रुपये, वाई का प्राइस 10 रुपये है। हमने जब बजट लाइन प्लॉट करी तो हमारे पास रहेगा ए बी, मतलब चार सारे पैसे अगर एक्स के 10 रुपये के हिसाब से सारे पैसे उसे एक्स पर खर्च करें तो वो 4 यूनिट खरीद पा रहा है, वाई पे खर्च करें तो 4 यूनिट खरीद पा रहा है। तो ये ए बी हमारी इनिशियल बजट लाइन है। अब हम एज्यूम करते हैं कि वाई का प्राइस बढ़ गया, पहले 10 रुपये था, अब बढ़ के 20 रुपये हो गया। पर सीधी सी बात है कि अगर वाई का प्राइस बढ़ जाता है 10 से बढ़ के 20 रुपये हो जाता है तो कंज्यूमर 40 रुपये के अंदर सिर्फ वाई की 2 ही यूनिट खरीद पाएगा, सिर्फ वाई की 2 यूनिट खरीद पाएगा। तो हमारी जो बजट लाइन है, प्राइस के बढ़ने से बजट लाइन हमारी यहाँ पे अंदर की तरफ रोटेट कर रही है, इट विल रोटेट इनवर्ड्स। पहले ए बी थी, अब रोटेट करके ए डैश बी हो गई। और अगर हमारा जो गुड वाई है अगर उसका प्राइस कम हो जाता है, 8 रुपये हो गया, तो कंज्यूमर 40 रुपये के अंदर 8 रुपये के हिसाब से 5 यूनिट खरीद पाएगा। तो हमारी जो बजट लाइन है इट विल रोटेट आउटवर्ड्स, पहले ए बी थी, अब रोटेट होके ए डबल डैश बी हो जाती है। तो इस तरीके से कैसे गुड के प्राइस के चेंज आने से बजट लाइन पर इम्पैक्ट पड़ता है ये अभी हमने स्टडी करा।